सभी को नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। मैं बौद्ध भिक्षु विनाचार्य, और आज देश के हालातों पर कब तक आप मौन रहेंगे, कब तक रहेगी आप चुप, कब तक आप इस देश के अंदर धार्मिक सियासत पर चुप रहेंगे, और लोग इस देश के अंदर हाथ में संविधान लेकर चलने वाले, संविधान के कानून को मानने वाले, वो आज देश के अंदर चल रही धार्मिक सियासत के सामने मौन हो चुके हैं। उनका जमीर, उनकी मर्दानगी, उनकी ताकत, उनकी बुजदली बन चुकी है। आज देश के हालात कैसे धार्मिक सियासत पर देश की सौहार्द को, देश के गौरव को, देश की अखंडता को, देश की मर्यादा को कलंकित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस देश में कानून के होते हुए, इस देश में संविधान के होते हुए लोग किस तरह से धार्मिक फतवे पर कत्ल करने का काम कर रहे हैं, और कैसे कत्ल कर रहे, और कत्ल की कैसी सजा है, और कौन है वो लोग जो लोग इस देश के अंदर, इस देश में तानाशाही, तानाशाही हुकूमत, धार्मिक हुकूमत, धार्मिक अपवाद, धार्मिक फतवे ला रही है। मेरे देश के लोगों में बात कर रहा हूं, मैंने आज कल की एक घटना के बारे में मैंने देखा, दो लोग जिनके चेहरे पर जरी सी भी शिका नहीं है, अफसोस नहीं है, डर नहीं कानून का, भय नहीं संविधान का, और भय नहीं है समाज का, ऐसे दो व्यक्ति जिनके सिर पे टोपी है, जिनके चेहरे पर धाड़ी है, और जिनके हाथों में है छुरा, और वो बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हो, ध्यान से सुनना आप। वो बोल रहे हैं, गुस्ताखी नबी की शान में, गुस्ताखी नबी की शान में एक ही सजा है, सिर तन से जुदा है। ऐ मेरे देशवासियों, एक कानून को मानने वाले लोगों, क्या आज हमारे देश में इस तरह के फतवे चले गए? और इस फतवे को देने वाले इन दो इस्लामी कट्टरपंथी, जिन्होंने इस्लाम को माध्यम मानकर, जिन्होंने इस्लाम के अंदर इसको धार्मिक काम मानकर, धर्म की रक्षा मानकर, जिन्होंने इसको स्वर्ग में जाने की रास्ता माना, स्वर्ग उनको तब्दील हो, स्वर्ग उनको मिले, उनको ऐसा लगता है कि इस्लाम में अगर नबी की गुस्ताखी हुई, नबी की शान में गुस्ताखी हुई, अगर वो उन लोगों का मर्डर कर दे, उन लोगों की हत्या कर दे, तो इस्लाम कहता है कि ऐसे लोगों को जन्नत बख्शीश होगी, जन्नत मिलेगी ऐसे लोगों को। तो मेरे देश के लोगों, आपको अपने जहन में, अपने मन में, अपनी बुद्धि विवेक में ये बात घुसा लेनी चाहिए, फिर इस देश में कानून की कोई अहमियत नहीं, फिर इस देश में संविधान की कोई अहमियत नहीं है, फिर इस देश में इंसानियत की कोई अहमियत नहीं है। कि जब लोग धार्मिक सियासत पर इंसानों का कत्ल करेंगे एक फतवे के तहत, कल की घटना ने इस देश के अंदर इतना माहौल ऐसे खड़ा कर दिया। अरे झगड़े किसी के व्यक्तिगत हो सकते थे, किसी के झगड़े व्यक्तिगत होते, संपत्ति को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, पर आज कभी मैंने जब ये बात सुनी कि गुस्ताखी नबी की शान में एक ही सजा है, सर तन से जुदा है, सोचिए ये क्या है, क्या है ये, क्या ये तानाशाही धार्मिक फतवा नहीं है? क्या ये फतवा नहीं कह रहा कि संविधान कुछ नहीं है? क्या ये फतवा नहीं कह रहा कि संविधान के कोई कानून का कोई भी महत्व नहीं रहा, किसी को कानून का डर नहीं रहा? कल राजस्थान के उदयपुर के अंदर एक गरीब मासूम, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए सुबह से लेकर शाम तक अपनी दुकान पर लोगों का तन ढकने के लिए कपड़े सिलने का काम करता था, वो व्यक्ति जो समाज हमारा उसको पिछड़ी जाति से मानता, पिछड़ा वर्ग, अरे इस देश का पिछड़ा और दलित
उपेक्षित रहा है, पीड़ित रहा है, शोषित रहा है। और ये कट्टर इस्लामिक लोगों ने इस्लाम के कानून को हाथ में लेकर, इस्लाम को ताकत मानकर उस मासूम का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। सोचो आप ही, विचारो आप ही, क्या ये देश अब ये धार्मिक फतवों से चलेगा? क्या अब इस देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं रही? क्या इस देश में अब कानून का कोई महत्व नहीं है? और वो लोग जो लोग हाथ में कुरान लेकर, जो लोग जामा मस्जिद में जाकर, जो लोग मुसलमानों की टोली में जाकर ये बात बोलते थे कि इस्लाम धर्म मोहब्बत प्रेम इंसानियत का धर्म है, अगर कुरान में कोई गलत साबित कर दे कि कुरान में कुछ गलत लिखा है, मैं उसका गुलाम बन जाऊं। मैं ऐसे नेताओं से भी कह रहा हूं, कहां है वो नेता भी? अरे आज एक पिछड़े व्यक्ति का मर्डर हो गया, एक गरीब मासूम की हत्या हो गई, आज कहां है आपकी इंसानियत, कहां आपकी मर्दानगी, कहां आपका अंदर का जमीर? आज तो कोई आंदोलन नहीं करोगे, आज तो कोई बात नहीं बोलोगे, आज तो कोई विचार नहीं दोगे। और मैंने एक ट्वीट देखा चंद्रशेखर जी का, और चंद्रशेखर जी अपने ट्वीट में लिखते हैं सभ्य समाज कहीं की सभ्यता, अरे सभ्यता कहीं की रह गई? अरे जो समाज जो शिक्षाएं इस्लाम की वो ये कह रही है गुस्ताखी है नबी की शान में, बस एक ही सजा है सर तन से जुदा है, क्या ये सभ्यता है? और ये क्या सभ्यता है कि वो व्यक्ति दो बिना खौफ के बिना भय के, किसी का कोई किसी से ताल्लुक नहीं है, पर भारत के संविधान में देश का प्रधानमंत्री देश की मर्यादा है, देश की शान होता है। भारतीय संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करने का कर्तव्य दिया है। हमारे कोई भी मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक भेद हो सकते हैं, सैद्धांतिक भेद हो सकते हैं, पर हम देश के संविधान ने जो हमें हक दिया, अधिकार दिया है, उसने यह भी दिया है कि हम अपने देश के राष्ट्रपति का, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करें। पर वो लोग खुले और खुला चैलेंज कर रहे हैं, वो खुला चैलेंज कर रहे। सोचिए जो लोग हमारे देश में रहकर देश के प्रधानमंत्री को कत्ल करने की बात करें, तो सोचिए आम इंसान उनकी नजरों में कीड़ा मकोड़ा है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कीड़ा मकोड़ा उनके लिए। अगर ऐसे लोगों को छूट दे दी जाए, ऐसे लोगों के हाथों में गोला बारूद हो, तो ऐसे लोग अपने इस्लाम के, अपने धर्म की रक्षा के लिए इस देश के अंदर गैर इस्लामिक लोगों का दिन दहाड़े कत्ल करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं बस, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इस्लाम ही मात्र गलत है, मैं कह रहा हूं कि इस देश के अंदर धर्म के नाम पर जो हिंसाएं हो रही हैं, इस देश के अंदर जो धर्म के नाम पर कत्ल हो रहे हैं, और जो भी धर्म इंसान को, इंसान का कत्ल करने के लिए उकसाता है, प्रेरित करता है, वो धर्म नहीं है, वो आतंकवाद का अड्डा है, वो सांप्रदायिकता का अड्डा है, वो लोगों के अंदर नफरत फैलाने का अड्डा है। मैं उसे धर्म ही नहीं कहता। धर्म तभी होगा जब हर धर्म इंसान को प्रेरित करेगा प्रेम के लिए, जब हर धर्म इंसान को प्रेरित करेगा मोहब्बत के लिए, जब हर धर्म इंसान को प्रेरित करेगा भाईचारा मानवता के लिए। मैं उसे धर्म मानता हूं, ये धर्म नहीं है। मैं इस्लाम का ही विरोधी नहीं, मैं हर उस धर्म का विरोधी हूं, मैं हर उस धर्म के उस अत्याचार जुल्म के खिलाफ हूं। मेरा अभी एक ज्यादा नहीं, 2 महीने पहले ही मैंने दिल्ली के बवाल पर भी बोला था, तब मैंने ललकारा था कि ऐसे हिंदू धर्म के ठेकेदार, ऐसे हिंदू धर्म के तथाकथित लोग जो धर्म के नाम पर दूसरे धर्म को कलंकित करने का काम कर रहे, दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों पर अपना झंडा फहराने का काम कर रहे, वो धार्मिक लोग हो नहीं सकते, ये आतंकवादी लोग हैं।
तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं किसी का पक्षधर नहीं तो ना किसी का विपक्ष हूं। मेरा मत है, मुझे मेरे महापुरुषों ने, मुझे बाबा साहब अंबेडकर ने, मुझे मेरी शास्त्रा ने सच बोलने की आजादी दी है, मेरे महापुरुषों ने मुझे निष्पक्ष बोलने की आजादी दी है। अगर मैं कल हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा था तो मैं आज आपके कट्टर इस्लामिकों के खिलाफ बोल रहा हूं। कहां है आपका जमीर, कहां आपकी इंसानियत? जागो आप इस देश के लोगों, आपने देश का क्या हाल बना दिया। इस देश के अंदर रोजाना हर रोज धार्मिक सियासतें होती है, धार्मिक हत्याएं होती है, धर्म के नाम पर इंसानों के कत्ल किए जा रहे हैं, धर्म के नाम पर मासूमों को मारा जा रहा है, गरीबों को मारा जा रहा है। क्या यही धर्म है आपका? क्या यही धर्म की शिक्षा है आपकी कि एक धर्म को बचाने के लिए आप इंसान का कत्ल करोगे? मैं कहता हूं ऐसे धर्म में रहना ही आप लोगों की बुजदिली है। फिर ऐसा धर्म धर्म में रहने लायक ही नहीं रहा जिस धर्म के अंदर की शिक्षाओं से बू आने लगी हो, जिस धर्म की शिक्षाओं में कीचड़ आ गया हो, गंदगी फैल गई हो, ऐसे धर्म में रहना उचित नहीं है। मेरे देश के लोगों, मर्यादा को समझो। क्यों आप तुले हैं देश के इस सौहार्द को खत्म करने पर? तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, कल की घटना को देखकर अगर आपके जमीर नहीं जागा, अगर इस देश के अंदर से आपने इस धार्मिक सियासत को खत्म नहीं करा, आपने इस देश के अंदर की धार्मिक भावनाओं को, जो लोग लेकर चल रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं को ठेस लग गई, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो गई, हमारे अवतार की शान में गुस्ताखी हो गई, हमारे भगवान की शान में गुस्ताखी हो गई, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, अरे जब ये बंदे ही सारे उस खुदा के, अल्लाह के, ईश्वर के हैं, तो तुम सजा न्याय करने वाले कौन हो? अरे जिसकी शान में गुस्ताखी हुई वो सजा देगा। अल्लाह की शान में होती अल्लाह सजा देगा, भगवान की शान में तो भगवान सजा देगा। तुम होते कौन हो? तुम बीच में कौन लोग हो? तुम्हें किसने हक दिया, किसने अधिकार दिया? क्या तुम अल्लाह का, खुदा का, ईश्वर का, भगवान का इंसाफ करोगे? क्या तुम इतने बड़े हो गए कि तुम आज इंसान हो बनकर, एक छोटे से अदने से प्राणी बनकर, जिसको तुम सुपर पावर मानते हो, जिसको तुम सुप्रीम पावर मानते हो, क्या तुम उस सुप्रीम पावर का इंसाफ करोगे? क्या तुम उसको इंसाफ दिलाने की बात करते हो? डूब मरो तुम जैसे जाहिलियतों पर, तुम्हारी सोच पर। एक तरह से सुप्रीम पावर बोलते हो उसको, सुपर पावर बोलते हो उसको एक बार में, और दूसरी तरफ से आपके अंदर न्याय करने की शक्ति आ गई। तुम उसे इंसाफ दिलाओगे, जो सुप्रीम पावर है तो उसे कहीं का न्याय दिलाओगे, अरे वो न्याय अपने आप ले लेगा, वो अपने आप इंसाफ ले लेगा। तुम होते कौन हो न्याय दिलाने वाले? बड़ा दुख होता है, बड़ी शर्म आ रही है मुझे आज, कैसे दिन दहाड़े कत्ल किया। और ये एक ही कत्ल नहीं है, मैं कह रहा हूं कत्ल बहुत हो रहे हैं हमारे देश में, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, गरीबी के नाम पर, शोषण के नाम पर कत्लों की कतारें लगी पड़ी हैं। आए दिन देश में यही तो कत्ल हो रहे, और हमारे देश के नेता, हमारे देश की सियासतें, धार्मिक सियासतों के सामने मौन है। कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, वो मौन बैठे हैं, चुप है, कुछ कहने को तैयार नहीं है। कहीं उनकी राजनीतियां, उनके वोट कम ना हो जाए, उनकी सियासतें खत्म ना हो जाए, उनको वोट बैंक कम ना हो जाए, खिसक ना जाए, वो चुनाव में हार ना जाए। वो अपने हार से भयभीत है, वो अपने वोट के कम होने से भयभीत है, इसलिए वो धार्मिक दंगे भड़काने में लगे हुए, धार्मिक दंगों को हवा देने में लगे हुए, धार्मिक नाम पर कत्ल होते रहो, वो चुप रहेगे। तो मैं अपील कर रहा हूं, बस मैं तो अपील करूंगा इस देश के उन सभी लोगों से जो देश की हिफाजत के लिए, देश के लिए जान कुर्बान दे करते हैं, वो देश के अंदर इस धार्मिक दंगे से बाहर आ जाए और देश में नागरिक बनो, एक नागरिक बन के जियो, और एक ही लक्ष्य बना लो। हमारा एक ही लक्ष्य है, इस देश के अंदर हमारा इंसान और इंसान के प्रति प्रेम होना चाहिए, हमारा इंसान इंसान के प्रति मैत्री होनी चाहिए, बंधुता होनी चाहिए, समानता का भाव होना चाहिए, सभी के साथ भाईचारा होना चाहिए। हम इंसान को ना हिंदू बनकर देखें, ना मुसलमान बनकर देखें, ना सिख बनकर देखें, ना बौद्ध बनकर देखें, ना जैन बनकर देखें, हम हर इंसान को इंसान बनकर देखें, इंसानियत के नाते से देखें।
तो आपके अंदर कभी भी ये धार्मिक भावनाएं आपको कभी प्रेरित नहीं करेगी इंसान की कत्ल करने के लिए। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मित्रों, मेरे देशवासियों, अगर आप देश की हिफाजत चाहते हो, देश को अच्छा बनाना चाहते हो, देश की शान को बरकरार रखना चाहते हो, तो इस देश के अंदर पहले इस नफरत को खत्म करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। और एकजुट धर्म के नाम पे नहीं, जाति के नाम पे नहीं, एकजुट होना पड़ेगा राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर एक होना पड़ेगा। और देश के नाम पर जिस दिन हम एक हो जाएंगे, तब एक इंकलाब होगा, एक नारा होगा कि अब इस देश के अंदर अगर कोई भी हमारे राष्ट्र के, हमारे देश के सौहार्द को, भाईचारा को, अखंडता को, इसके प्रेम को, इसकी एकता को अगर किसी ने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भंग करने का काम किया, उसके साथ कानून बड़े से बड़ा डिसीजन लेकर उसे दंड देगा, कानून उसे सजा देगा, कानून के द्वारा उसे सजा दिलाई जाएगी। यही हमारी अखंडता, यही हमारी राष्ट्रता है। तो मेरे सभी प्रिय मित्रों, दोस्तों, प्रेमियों, इस देश के जिम्मेदार लोगों, हम अपील करते, निवेदन करते हैं कि आप इस देश को बचाओ, इस देश के अंदर से ये जाति धार्मिक दंगे बंद कराओ। सभी का मंगल, सभी का कल्याण। साधु साधु।